सत श्री अकाल जी, मैं हाँ तुहाड़ा अपना गुरजीत सिंह ते लैके हाजिर हाँ पी टी सी सुपरस्टार। तो मित्रों, अज जिन्ना खुशकिस्मत मैं फील कर रहा ना, उन्नी स्पैशल मोमेंट तुहाड़े लिए है जिन्नी कि पंजाबी टैलीविजन इंडस्ट्री लई है, क्योंकि मैं थोड़ी मुलाकात करवाउण जा रहा। पहली बार पंजाबी टैलीविजन इंडस्ट्री के इतिहास में बॉलीवुड के दबंग ते चुलबुल पांडे, वन एंड ओनली सलमान खान ते गॉर्जियस डेजी शाह नाल। भाई बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़े दोनों का पी टी सी सुपरस्टार। थैंक यू। तो इस तो पहला कि मैं जो सवाल तैयार किए हुए हैं, हालांकि थोड़ा बहुत हैक्टिक स्केड्यूल थोड़ा सारे सवाल पूछते जा रहे हैं, पर साडा काम भी यही है। तो मैं एक मैसेज दे रहा, एक तोहफा लैके आया थोड़े लिए सारे पंजाबियों के वालों। वो इदा कि जिदा थोड़ा कोई सलमान जी कहता है, कोई सलमान सर कहता है, कोई सल्लू मियाँ कहता है, सलमान भाई कहता है, तो जिहड़े पंजाबी ने जदों किसी को प्यार करते हैं ना, तो वह नेड़ता बनाते हैं सब तो पहला, कि उसके नज़दीक जाया जाए बहुत ज़्यादा। तो वो एक शब्द यूज़ करते हैं भाजी कहते हैं, तो सलमान भाजी सारे पंजाबियों वालों कबूल करो, तो उन्होंने वालों सलाम वाले करो, तो हाथ जोड़ के सत श्री अकाल एक बार फिर। तो जय हो रिलीज़ हो जा रही है, तो वो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत सारिया दुआवां सारे पंजाबियों वालों जो थोड़ा वेख रहे हैं फैनस ने। इस तो पहले आप जय हो बारे भाजी गल करिए, मैं हूँ तुम्हें भाजी कह के बुला सकता। जी जरूर जरूर बुलाइए। तो मैं थोड़ा जहा जानना चाहवागा, जिदा कि तुसी एज अ रोमेंटिक हीरो स्टार्ट किया, उस तो बाद एक दबंग की इमेज तुसी बनाई है, तो एक्चुअल विच सलमान खान दबंग है जा रोमेंटिक? जब शुरू हुआ था तो वो एक्शन हीरो करने लायक बॉडी नहीं थी, वो रोमांस करने लायक बॉडी थी। तो अब जाकर थोड़ा सा ऐसा आ गया, एक मेच्योरिटी आ गई है जहाँ पर वो दबंग या वांटेड जैसे कैरेक्टर्स कर सकता था। इनफैक्ट मेरे पिता ने मुझे ये कहा था कि उस वक्त कि तुम रोमांटिक हीरो ही कर पाओगे, अपना टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि मोहल्ले का दादा, इंस्पेक्टर या लॉयर यू नेवर बी एबल टू प्ले। तो मुझे बहुत बात बहुत सही लगी। तो उसके बाद मैंने अपना वजन बढ़ाना शुरू किया, एक्सरसाइज करनी शुरू की, फिर मुझे मैंने प्यार किया मिली। फिर उसके बाद एक दूसरी एक फर्स्ट एक्शन फिल्म आई थी आई थिंक कर्नल अर्जुन, उसके बाद आई वीर गति, फिर वहाँ से एक अच्छा एक रिस्पॉन्स मिलता चला आया। और जब तक फिल्म के अंदर इमोशन नहीं होना, उसका एक्शन का मतलब ही नहीं होता। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि फिल्म के अंदर इमोशन बड़ा तगड़ा हो जी। तो यही है, तो इमोशन तगड़ा आ जाता है तो फिर एक्शन भी तगड़ा हो जाता है। राइट सर। तो तुसी स्टार है, स्टार मेकर भी है, सो दैट्स अ यू नो डिफरेंट थिंग। तो एक बहुत वड्डी चीज़ हैगी है, तो उसकी कड़ी में डेजी शाह होने एक जुड़े ने स्टार मेकर जिन्हों तुसी इंट्रोड्यूस किया है इन्हों। सो मैं इन्हों इस तो पहले इन्होंने कुछ पूछा, थोड़े तो जानना चाहवागा तुसी इन्हों में की खास वेख्या कि इन्हों। हमने इतने हीरोइन के साथ काम किया, इतने मॉडल्स के साथ काम किया है। जब कोई आपकी आप देखते हैं किसी को, आप उसको और देखना चाहते हो, एक कोई पास होता है, फिर आप उसे पलट के देखते हो, उसमें वो क्वालिटी होती है कुछ ना कुछ। और क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री की है ये इन्होंने अपना करियर जूनियर आर्टिस्ट से स्टार्ट किया है, फिर वो डांसर बनी, फिर वो असिस्टेंट बनी, फिर वो मॉडल बनी, फिर इन्होंने ये मतलब कि एक्टिंग स्कूल नहीं गई, ये स्कूल गई, ये फिल्म इंडस्ट्री की स्कूल से सीखी हुई हैं। तो इनसे बेटर डिजर्विंग यू नो कैंडिडेट मुझे नहीं लगता कि कोई हो सकता है। और फिल्म में एक गुजराती लड़की का कैरेक्टर था, जो कि नसीब से ये गुजराती हैं, एक लड़की का इंट्रोडक्शन डांस नंबर था और ये डांसर हैं। और इन सब चीज़ों को लेकर सिर्फ एक ही ये चीज़ थी कि और मैंने ही नहीं, काफ़ी दूसरे हीरोज़ ने और दूसरे डायरेक्टर्स ने इनसे यू नो कभी एट सम गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कहा होगा कि यू नो थोड़ा सा एक्टिंग करना यू नो चालू कर दो, या बोला क्या एक्टिंग का शौक है, पूछा होगा इनसे आई एम श्योर बहुत सारा। तो जब ये सवाल आता है, एक तो लाइन मारने के लिए आता है, पटाने के लिए आता है, और एक जेन्युइनली आता है कि यू नो शी हैज़ दैट। अब जब लाइन मारोगे उसी पे लाइन मारोगे जो कि एक exactly. एक खूबसूरत है, उसमें कुछ बात हो, तो जब वो बात दिखाई देती है तभी वो एक जाता है। और डेस्टिनी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो कैरेक्टर है वो इस कैरेक्टर में इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। एंड वी कास्टेड ओके। वेल दोस्तों, सलमान खान साहब ते डेजी शाह नाल ये मुलाकात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, पर इतने आपां एक निक्का जिहा ब्रेक लैणा, कितने ना जाओ, मिलते हैं आपां ब्रेक तो बाद।
ਮਿੱਤਰੋ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜੈਹੋ ਦੀ ਸਟਾਰ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਗੋਰਜੀਅਸ ਡੇਜ਼ੀ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ। ਸੋ ਡੇਜ਼ੀ, ਸੋ ਲੱਕੀ ਯੂ, ਆਈ ਮਸਟ ਸੇ, ਯੂ ਨੋ ਕਿ ਆਈ ਕੰਸੀਡਰ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਵੈਰੀ ਲੱਕੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡੈਸਟੀਨੀ, ਸੋ ਡੈਸਟੀਨੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਲੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਥ ਮੇ ਚਲਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਹੋਤਾ ਹੈ ਡੈਸਟੀਨੀ ਔਰ ਲੱਕ ਦੋਨੋਂ। ਅਜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਨਾ? ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ 에ਅਰ ਹੋਸਟੈਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ IAS ਆਫੀਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਦੈਨ ਹਾਊ ਕਮ ਦਿਸ ਐਕਟਿੰਗ, ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਇਨਟੂ ਐਕਟਿੰਗ? ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਬ ਕੀਆ ਥਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੇ ਅੰਦਰ, ਸੋ ਐਸੇ ਹੀ ਪਾਕਿਟ ਮਨੀ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਸੇ ਥਾ, ਮਤਲਬ ਕਭੀ ਸੋਚਾ ਨਹੀਂ ਥਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਸਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੇ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਡਿਵੋਟ ਕਰ ਦੀ ਥੀ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕੋ, ਤੋ ਆਗੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣਾ ਯਹੀ ਫੀਲਡ ਮੇ ਸਹੀ ਹੋਤਾ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਜਾਤੀ ਤੋ ਮੁਝੇ ਵਾਪਸ ਸਕ੍ਰੈਚ ਸੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੜਤਾ। ਤੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਝੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਥੀ, ਮੁਝੇ ਡਾਂਸ ਪਸੰਦ ਹੈ ਪਰ ਡਾਂਸ ਕਨਸੀਵ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਮੁਝਸੇ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਤੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਅੰਦਰ। ਤੋ ਔਰ ਜੈਸੇ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮ ਕਰਤੇ ਕਰਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਜਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੇ ਲਿਏ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਲੋ, ਤੋ ਤਭੀ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਅਭੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੋ ਕਿਆ ਕਰੇ, ਤੋ ਮਾਡਲਿੰਗ ਟ੍ਰਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਡਲਿੰਗ ਸੇ ਫਿਰ ਐਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਂ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਭਾਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੇਤਾਵਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਓਬਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਬਟ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫੀਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨੇ ਜਾਊਂਗੀ ਤਾਂ ਬਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਊਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਤ ਕੀ ਕਿ ਮੁਝੇ ਇਨਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰਨੇ ਮਿਲਾ। ਮੇਰੀ ਫਸਟ ਮੂਵੀ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਾਫੀ ਰਹਾ ਹੈ ਇਨਕਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਾ, ਸੋਹਿਲ ਭਾਈ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕੋਈ, ਤੋ ਡਿਫੀਕਲਟੀ ਕੋਈ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਰਚੂਨੇਟ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਛੇ ਲੋਕੋ ਕੇ ਸਾਥ ਕਾਮ ਕਰ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਜੀ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸਲਮਾਨ ਭਾਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਨੂਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਅੱਜ ਸਕਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਮੁਕਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ, ਉਹਨੇ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ? ਜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਭੀ ਤੱਕ ਉਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਬ ਆਏਗਾ, ਔਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸਸੇ ਦੂਰ ਨਾ ਭਾਗੇ, ਉਸਕੇ ਬੀਚ ਸੇ ਭਾਗ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਨਿਕਲ ਆਏ ਔਰ ਆਗੇ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਫੇਸ ਕਰੇ। ਇਹ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਹੀਂ ਨਾ ਕਹੀਂ ਹਮ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਔਰ ਜਬ ਹਮ ਲਿਖਵਾਤੇ ਹੈਂ ਤੋ ਯੇ ਲਿਖਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਯੇ ਹਮਾਰੇ ਜਬ ਹਮ ਧਰਤੀ ਪਰ ਪੈਦਾ ਹੋਗੇ ਤੋ ਯੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਏਗੀ, ਵੋ ਹਮਕੋ ਦਿਖਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਆਏਗੀ, ਔਰ ਹਮ ਚਲੋ ਇਸਕੋ ਆਉਣਾ ਦੋ, ਇਸਕੋ ਆਉਣਾ ਦੋ, ਚਲੋ ਯੇ ਠੀਕ, ਯੇ ਹਮ ਓਵਰਕਮ ਕਰ ਲੇਂਗੇ, ਯਹਾਂ ਪਰ ਆਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਤੇ। ਤੋ ਬਸ ਵਹੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਹਮਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੰਗਾ ਥਾ ਔਰ ਇੱਕ ਤਰਕੀਬ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ, ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਕਲੋ ਕਿ ਵੋ ਕੌਨ ਸੀ ਤਰਕੀਬ ਥੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜਬ ਹਮ ਹਮਾਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ, ਕਿ ਵੋ ਕਿਆ ਥਾ ਕਿ ਇਸ ਮੇ ਸੇ ਯੇ ਲੈਫਟ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ, ਰਾਈਟ ਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ, ਇਸਕੇ ਬੀਚੋਂ ਬੀਚ ਨਿਕਲ ਜਾਊਂ, ਵੋ ਕਿਆ ਥਾ? ਤੋ ਇੱਕ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਯੂ ਨੋ ਬਸ ਆਪਕੋ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਾਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਆਗੇ ਬੜਨਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾਂ ਦੇ ਆਈਡਲ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਜਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਸਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਬਟ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਭੀ ਕਭੀ ਡੇਟ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ, ਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ ਹੂੰ। ਅਬ ਇਸ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿ ਆਪ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੇ ਡੇਟ ਪਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹਤੇ, ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਸੇ ਆਪ ਡੇਟ ਪਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਔਰ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਤੋਂ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਤੋ ਆਪ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਤੇ।
क्या बात है जी, बहुत कुछ। वैल सलमान खान साहब के बहुत सारे मूड हूँ तक तुम इतने वेख चुके हो, होर हूँ अगे कि मूड अपन नज़र आएगा तो कि कुछ होर गल तो पता लगन गया जाने लिए बेकरार तुम है मैं पता है, पर आप इतने लवेंगे ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक फ्रेंड्स, जिस माहौल में ब्रेक तो पहला मैं थोड़ा छड़ के गया सी, ते जैहो दी टीम नाल अपनी गल्लां बातें चल रही उस माहौल में एक बार फिर तो वापस आ जाओ ते आप फिर गल्लां बातें करते हैं सलमान खान साहब ते डेजी शाह नाल। अच्छा डेजी, जदों मूवी शुरू हुई जैहो राइट, तो पहला सीन थोनू सलमान भाजी नाल करन मिले है? मेरे भाजी थोड़े तो नहीं है ने? भी कितने भाजी ना बोल बैठे तो जो पहला सीन तुम किया दैन नर्वस से या फिर की सी उदो चल रहा माइंड नर्वसनेस इस चीज़ की थी कि पहला सीन जो शूट किया था हमने वो सर और तब्बू मैम दोनों साथ में थे, तो नर्वसनेस इस चीज़ की थी कि मेरी वजह से इनको ज़्यादा रिटेक्स ना देने पड़े तो पर रिहर्सल की थी हमने सीन शूट करने के पहले, रिहर्सल करते करते सीन इम्प्रोवाइज करते गया तो वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते था, जब तक शूट करते तो सीन बहुत इजीली शूट हो जाता थे। तो आई थिंक ही एंड तब्बू मैम बोथ मेड श्योर दैट वी डू रिहर्सल्स पहले सीन के, ताकि जब तक शूट होने वाला होता है तो वो बहुत ईजीली शूट हो जाता। ये तो वाकई इन्होंने मैं भी ईजी करता, पर जो इन्होंने इतने आना सी ना, जब सर भाजी तुम इतने आना सी तो थोड़ी आवाज़ साइड से तुम होर जगह भी गल कर रहे थे तो शेर की दहाड़ होंगी है ना शेर की दहाड़ आ रही है, पर शेर सामना कि करा उदो मुश्किल लगता है कि नहीं थोड़ा नर्वसनैस होंगी है। तो भाजी एक तुम इंटरव्यू कहा कि प्रमोशनस अजक बहुत जरूरी है, बॉक्स ऑफिस का जोड़ा फर्क आता है वह स्तर वादा है मोनिटरी, तो वो प्रमोशन अजक करनी बहुत जरूरी ने, तो प्रमोशन के अंदर इतना ही करना ज़रूरी है कि जो आप अपने प्रोमो बनाओ वो बहुत बढ़िया बनाओ और ट्रू टू द फिल्म बनाओ, क्योंकि अगर मैं अगर जैसे कि जय हो कि अगर प्रोमो ख़राब होते और मैं बोलता जाके जय हो देखो तो देख लेते लेकिन थिएटर में जाके नहीं देखते, क्योंकि प्रोमो बहुत अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल, तो वो एक उत्साह है, एक वो ईगरनेस है कि जाके वो पिक्चर देखें। एग्जैक्टली, तो वो होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे हिसाब से क्योंकि दो तरीके हैं, एक तो आप प्रमोट करो कि ये प्लॉट क्या है, ये फिल्म किसके बारे में है, इस फिल्म में कौन कौन है और ये फिल्म कब रिलीज़ हो रही है, किस किस्म की फिल्म है ये। अब जब आप ये करते हो तो आप इंटरव्यूज़ करते हैं, आप शोज़ करते हो, तो टिकट की प्राइसेस बहुत महंगी हो चुकी हैं आजकल। तो एक पिक्चर की टिकट के अंदर आपने सलमान खान को DID में देख लिया, झलक में देख लिया, नज कॉमेडी नाइट्स में देख लिया, नज बलिए में देख लिया, तो आपने इन सब प्रोग्राम्स में आपने देख लिया और आप यू नो सलमान को फ्री देख रहे हैं, तो ये सब पूरा पैकेज मिलाकर अगर आप देखना जाए तो ऐसा लगे कि हर बार देखने के सिर्फ 20 या 15 रुपये दिए। बिल्कुल, तो अगर उसका एक एक एवरेज निकाला जाए तो कि हमें पता है कि टिकट प्राइसेस बहुत महंगी हैं, तो अपने स्टार्स को जो कि आप पसंद करते हो कोशिश ये होती कि उनको एंटरटेन करें। अब फ्री का एंटरटेनमेंट तो सिर्फ TV का होता है, तो वो वहाँ पर हम एंटरटेन करते रहते हैं और फिर आके लोग आते हैं, फिल्म देखते हैं, फिल्म की टिकट खरीदते हैं। सर एक गल होर इतने आ रही कि ये तो होगी जिदा फिल्म को आप प्रमोट कर देंगे बट आर्टिस्टों को प्रमोट करने लिए पहला नालों अजकल अवार्ड फंक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, नहीं तुसी की सोचते जो अवार्ड फंक्शंस हो रहे हैं कि ये सिनेमा का स्तर भी बताते हैं जो सिनेमा का लेवल है मतलब जी, जी 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 ये हर हर किसी चीज़ का ज़्यादा होना, TV शोज का ज़्यादा होना, ये अवार्ड फंक्शंस का ज़्यादा होना, पिक्चरों का ज़्यादा बनना, इसका मतलब कि तरक्की हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, एक इंडस्ट्री बढ़ रही है और ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, हर चीज़ से हर एंगल से बढ़ेगी तो बढ़ते बढ़ते इट्स सब और काफ़ी टैक्स बढ़ते हैं इंटरटेनमेंट टैक्स, तो अच्छी बात है कि ये बढ़ता जाए और बढ़ते जाने के लिए हमको अवेयरनेस यू नो फैलाना पड़ता है, किसी दूसरी की पिक्चर को नीचे नहीं दिखानी पड़ती है, तो इट्स मुझे आई मीन
सबका साथ करके बहुत अच्छी चीज़ हो रही है कि हर चीज़ बढ़ती जा रही है। अच्छा सर, डिजी ऐदा है कि हम ज़्यादा पंजाबी इंडस्ट्री बूम अप कर रही है। अरे बहुत बड़ी होगी पंजाबी इंडस्ट्री, मतलब एकदम से बहुत बूम आया है। तो पिछले कुछ सालों के मतलब क्योंकि उन्होंने भी बूस्ट अप मिलेगा कि हाँ जी जिन्होंने देखते असं अगे आए हैं तो अवार्ड्स इदा शानो शौकत तुम बधाई है हाँ कह के बता दी अवार्ड्स। पंजाबी मूवीज़ जो हिसाब से बनाई जाती है मैंने काफ़ी देखी है, दो तीन फिल्में देखी है तो काफ़ी एंटरटेनिंग भी है। हाँ ह्यूमर बहुत अच्छा है, दी एक्टर्स आर वेरी गुड, प्रोडक्शन वैल्यू बहुत अच्छा हो गया, स्क्रिप्ट बहुत अच्छी हैं। आई थिंक मंजी ने फर्स्ट स्टार्ट की थी ये पिक्चर है, मैंने मंजी के साथ बहुत काम किया है तो ही स्टूप हमारे सिनेमेटोग्राफर हुआ करते थे, हमारे डीओपी हुआ करते थे, जो काफ़ी तीन चार पिक्चरें की मैंने उनके साथ और अभी बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, अच्छा बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही इतने इतने बढ़िया, इतने उम्दा आदमी हैं वो, गॉड मैन है। बिल्कुल जी बिल्कुल, तो भाजी यही दुआवां ने जिदा तुसी दुआवां दित्तियां ने पंजाबी एक्टर डायरेक्टर्स नूं इस वक्त, तो साडे वल्लों भी तुहाडी जिहड़ी मूवी जय हो हैगी आ सुपर डुपर हिट जावे हमेशा की तरह, तुहाडे एक वक्री तरह के फैनस ने हमेशा इस बार भी टुट के पैन सिनेमाज दे विच ट्रालियां भर के आण पंजाबी च कहिंदे ठीक है, मूवी जरूर देखण आ के हो। तो जाते जाते तुसी एक मैसेज मूवी विच भी दिता हैगा पंजाबी विच, जे हो सके तो कुछ जांदे आंदे अपने फैनस फॉलोअर्स लई। जाइए पिक्चर देखिए और इन्जॉय कीजिए, और एक मैसेज है इस फिल्म का, एक बहुत ही सोल है इस फिल्म के अंदर, वो देखिए कि अगर आप उसको अडेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। डिजी तुझे क्या कहना चाहोगे? मूवी से रिलेटेड तो इन्होंने बता दिया आपको, चाहिए प्लीज़ मूवी देखिए, हम आपका प्यार आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है स्पेशली मेरे लिए, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ ये चीज़ को। Wish you all the luck. Thank you. Thank you so much, Baji, for being here with us. And movie boss super to play. Thank you, Baji. Thank you. Thanks. Sat Sri Akaal. Mitro, ye si khaas mulaqat. Jai Ho di Starcast, yani ki Salman Khan saab te gorgeous Daisy Shah de naal. Agle episode vich ik hor superstar nu tode roobroo karawanga. Tad tak apne dost Gurjeet nu deo ijazat. Rab rakha. Sat Sri Akaal.